जबलपुर से है, जहां गोरखपुर निवासी अवतार सिंह द्वारा 2008 में 28 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। तो वहीं अवतार सिंह ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी, जिसकी पूरी लिखा पड़ी उनके पास है, लेकिन उक्त जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले ही क्रेता की मृत्यु हो गई। वहीं क्रेता के साले गुरदीप सिंह छापड़ा और राजा सोनकर द्वारा एसडीएम से मिलकर अपनी जमीन बताते हुए धोखाधड़ी कर जमीन में कब्जा कर लिया गया है। तो वहीं जब गुरदीप सिंह से बात करनी चाहिए तो उसके द्वारा पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। जब इसकी शिकायत बरेला थाने में की गई तो गुरदीप सिंह और राजा सोनकर द्वारा पैसों की दम पर बरेला पुलिस के साथ मिलकर उल्टा उनके ऊपर ही झूठे मामले और 307 जैसी धाराओं में फंसा दिया गया और उल्टा उन्हें ही सघन अपराधी बनाकर जेल भेज दिया गया। वहीं अवतार सिंह ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से विभिन्न धाराओं के तहत झूठे प्रकरण में फंसाए जाने को लेकर मामला खत्म करने की गुहार लगाते हुए मारपीट करने वाले अपराधियों के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। एक साल से मैंने 28 एकड़ जमीन बरेला में ली थी, दिलविंदर सिंह दिल्ली वालों से ली थी। रजिस्ट्री कराने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, जबकि मैं चुकता पेमेंट दे चुका था। उनका साला गुरदीप सिंह गुंडागर्दी के दम पे जो है वो जमीन वापस हथियाना चाहता था। उसने बरेला पुलिस से मिलके झूठे प्रकरण बनाए। एक साल हो गया है मुझे परेशान होते हुए। पुलिस ने भी झूठे प्रकरण बना दिए, क्योंकि मैं भाजपा नेता था, उस वक्त कांग्रेस का शासन था। एक राजनीतिक ध्वजता के कारण मेरे को एक महीने जेल भी रखा। अभी मैं एसपी साहब से मिला हूँ, उनका कहना है कि जहाँ तक यथासंभव होगा हम इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन आज मुलाकात नहीं हुई है। देखो जब आएंगे उनसे मुलाकात करूँगा। और बेवजह बेबुनियाद बिना किसी के ये केस जो है बरेला पुलिस ने बदियांती से मैलाफाइड इंटेंशन से मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, और मैं 68 साल का बुजुर्ग परेशान हो रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो है झूठे केस बनाए हुए हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हूँ और न्याय की गुहार करता हूँ। ये कागजात मेरे पास हैं, पूरे कागजात हैं, खरीदी है, चुकता पेमेंट की हुई है, केवल रजिस्ट्री बार नहीं हो पाई थी। और इसके पूरे पेपर मैंने कोर्ट में मामला भी लंबित है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी और पुलिस बरेला पुलिस की गुंडागर्दी के कारण मेरी ज़मीन का कब्जा भी वो हत्याए हुए हैं, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। एसपी साहब से जो झूठे प्रकरण है उनको वापस लिया जाए बिना किसी वजह के। जो लोग मेरे ऊपर मेरी मिसेज के साथ भी बदतमीजी की, अश्लीलता की, और उन्हीं लोगों को पुलिस ने अपना गवाह बनाया हुआ है, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। 15-15, 20-20 लोग गुंडागर्दी करते हैं, और हम परिवार के संभ्रांत परिवार के हैं। आज तक हमारे ऊपर थाने तक नहीं गए, कभी जीवन में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा एमए इंग्लिश व्यक्ति हूँ और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। लाखों लोग मुझे जबलपुर मामा जी के नाम से जानते हैं, और मेरे ऊपर ही ये अन्याय हो रहा है, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी जमीन संबंधी कुछ इशू है, उसको लेकर के अपराधी पंजीकृत हो चुका है। उस संबंध में जो एक आवेदन आया है, थाना बरेला क्षेत्र का मामला है, उसमें विधिवत जाँच करके आगे कार्रवाई की जाएगी।